जी सारे सत श्रीकाल होर किवें ठीक ठाक हो तुहाडा मेरे चैनल वाहेगुरू सूट पेंटिंग ते बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। जिहड़े मेरे चैनल ते नवें चैनल सबसक्राइब करो लाइक करो शेयर करो वाधा शेयर करिया करो। अज आपां टैबी सिल्क का वाइट कलर का मेरा दुपट्टा इहदे उपर आपां जिवें अगे सिल्क पेंट किया सिल्क पेंट के उपर उपर गुट्टे दे नाल आउटलाइन करते हैं। ये आपां अज 3D आउटलाइनर आ मेरे कोल, ठीक है जी। ये न्यू ऑरेंज है मेरे को कलर जिहड़ा, ये आप आउटलाइन करांगे। सो आप स्टार्ट करते हैं। इस तरह हौली हौली इहदी आउटलाइन करनी है। आउटलाइन सुक के बिल्कुल थोड़ी बरीक हो जानी है। पहले तुहानूं लगेगा भी ये काफ़ी मोटी होगी, हौली हौली जिवें जिवें सुकूगी बरीक हो जानी है। इस तरह हौली हौली अज आप जिहड़ी वीडियो बनावांगे इहदे च तुहाडे मैं सारे कमेंटा के जवाब भी देंगी, नाल नाल आप वीडियो बनावांगे, ठीक है जी। इस तरह ये बहुत ही वधिया दुपट्टा बनना, बिल्कुल जिवें आपां सिल्क पेंट वाला दुपट्टा पहला दुपट्टा ही बनाया सी मेरे ख्याल। हाँ जी, दुपट्टा ही उहदी वीडियो पाई हुई है, दुपट्टा जिहड़ा वाइट कलर का उस तरह बनना है। गुट्टा आपां नूं काफ़ी कॉस्टली पैंदा, ये आपां नूं थोड़ा सस्ता पैंदा। उदो जिन्हां दे आपां कह सकते हैं भी जिन्हां दे जिहड़ा खर्चा ज़्यादा नहीं कर सकते वो इस चीज़ के नाल भी बना सकते। कई हम अपन सुकन लिए वेट करा, ये वाला भी पीला तो मेरा जो ग्रीन कलर तुम दिखाई दे रहा दिखा। सॉरी मेरे कैमरे के कोई थोड़ी प्रॉब्लम आ गई सी, अपना जोड़ा आउटलाइन की सुक गई अपनी। हूँ आप अगला प्रोसैस शुरू करते हैं। ये मैं अज थोड़ू थोड़ी जी होर चेंजिंग दसूँगी वाइट कलर के, मैं की होर की मिक्स किया। पहले आप वाइट कलर लिया, देखो ये मैं मिक्स किया हुआ वाइट कलर ले लवेंगे बिच आप एटलस का बाइंडर पेस्ट पे मिक्स करा, ठीक है। ये मैं तुम दस दी कि मिक्स करना है। एक चमचा कलर का ले लेना, दसवां हिस्सा ये बाइंडर पेस्ट पा देना, ज़्यादा नहीं पाना ज़्यादा, क्योंकि क्रीम बेस हों क्रीम की तरह ही हों, ज़्यादा पाओगे तो तुम प्रॉब्लम आऊगी बिच, ठीक है जी। आप पहले छोटिया पत्तियां तो कलर लावे वाइट कलर जोड़ा बाइंडर पा के मैं तैयार किया। ये वाइट कलर भी मेरा काफ़ी पतला किया हुआ है, बाकी मैं वारी वारी जो मैसेज तुम करते भी कि पतला करना की करना, यह अपने कपड़े के अकॉर्डिंग कर लिया करो, कपड़े के साइड पर ला के देख लिया करो कि फैलता तो नहीं है, ठीक है। अज मैं थोड़े तो सारे कमेंट के जवाब भी देंगी, नाल आप वीडियो बना लगे वीडियो बनावे, ठीक है जी। ये मैं गोल्डन जैलो कलर वरतूँगी, ये वाला ये तुहानू बिल्कुल ही महसूस नहीं होना भी तुसी सिल्क पेंट की है जां तुसी फैब्रिक कलर दे विच पा के कुछ किया। सॉफ्ट बहुत ज़्यादा बनूगी, जिहड़ा तुसी बाइंडर पेस्ट मैं तुहानू दिखाया ये बाइंडर पेस्ट एक सिर्फ सॉफ्ट करन दी खातर ही मैं विच पाया है।
छोटियां पत्तियां ते तुसी नाल दी नाल ही इकट्ठा ही कर सकते हैं तुसी इहदा वाइट कलर, वड्डियां तुसी नाल दी नाल ही लग करना। ठीक है, इस तरह एक पासे तुसी सिल्क पेंट वाला दुपट्टा रख के देखियो, एक पासे ये वाला रख के देखियो। तुहानू खुद नू जज करना मुश्किल हो जाना भी ये सिल्क पेंट वाला ही किहड़ा। इस तरह बाकी जिहड़ा बाइंडर विच पाया वो अपन एक होर चीज़ भी कंट्रोल करूँगा, जिहड़ा आउटलाइन इहदे विचों कलर निकलना थोड़ा घट निकलूगा, ये भी तुहानू सेफ्टी है इहदी। ठीक है, बहुत सोहना दुपट्टा तैयार होना। बाकी जिस तरह पहला आउटलाइन की सी, जे तुसी कल्ली आउटलाइन वाला भी रख लो तो बहुत सोहना दुपट्टा लगेगा, थोड़ा सूट भी दुपट्टा भी, ये आउटलाइन के नाल भी काफ़ी चीज़ा तैयार हो जाएं कल आउटलाइन के नाल, वो मैं तुम्हें हौली हौली दसूँगी सारिया। ठीक है, इस तरह ही यहाँ लगातार इसी तरह प्रोसैस चलना है। पिछले दिन काफ़ी मैनू कमेंट आए से, मैं थोड़ा जवाब दिता नहीं गया, पर हम मैं हौली हौली थोड़ी वीडियो सारिया जवाब देंगी। एक अपने कन वल कलू हाँ गलजिंदर कौर पंगू अमनदीप, इन का एक ही सारा एक ही सवाल सगा भी साइड वाला बॉडर बना जरूर दसो, मैं साइड वाले बॉडर की भी जरूर वीडियो पाऊँगी भी किमें मैं बनानी है, किस तरह बना सकते हैं तुम घर के इजली। बहुत जल्दी मैं तुहानू ये चीज़ का भी दसूँगी, औखा नहीं है, बहुत सौखा, दो तीन तरीके दसूँगी जिहदे नाल तुसीं बना सकते हैं, क्योंकि मेरी वो पहला जिहड़ी वीडियो बनिया हुई सी काफ़ी बनिया पईआं सीगियां, फिर हुण तक कोई खत्म हुई है, इस करके मैं थोड़ा जवाब नहीं दे सकी। हुण वारी वारी जदों भी थोड़ा जवाब आया करूँ मैं हौली हौली जवाब देऊंगी उहदा। बाकी एक मैं शायद अमनदीप कौर पंगू ने शायद मैंने किया मैसेज, मैं थोड़ा याद भी घट रहा, उन्होंने कहा कि जो असी डिजाइन भेजने तो असं कहदे भेजिए, तुम मैं वट्सअप कर सकते हैं जोड़ा भी डिजाइन तुम बना बना सीखना चाहते हैं, वट्सअप कर सकते हैं, वट्सअप के उपर तुम भेज सकते हैं। बाकी कौर कलैक्शन का भी मैनू मंग आई सी डिमांड, कहते सी वो वाला कोई डिजाइन उन्होंने बना के दिखाओ, तुम मैं डिजाइन भेज दो, जो डिजाइन भेजोगे वो थोड़ा बन जूगा। बाकी एक बार तुम कौर कलैक्शन वाले नू कह के देखो, क्योंकि वो मेथों काम के काफ़ी सीनियर आ मेथों, क्योंकि उम्र तो शायद मेथों बहुत छोटे आ वो, पर काम के काफ़ी सीनियर उन्होंने, काफ़ी वधिया काम उन्हों का। बाकी जो डिजाइन तुम मैंने भेजोगे मैं जरूर बना के दिखाऊंगी। इस तरह बहुत सोहनी लुक बनती है, बहुत ज़्यादा सोहना, मैं तो ये वाली पेंटिंग तो मैं सारे नालों वधिया लगती होंगी है। बाकी जिहड़ी आउटलाइन दे नाल आपां करके करदे आ 3D दे नाल, ये सारिआं दे बजट दे विच आ,
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਗੁੱਟਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਗੁੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15% ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਮੋਟੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਮਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਕਰ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਈਂਡਰ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਲਾ ਉਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਰੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਸਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਂਡਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਂਡਰ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਮ ਆਪਾਂ ਲਾਤੀ ਖੜ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੱਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 250 ml ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਲਰ ਮਿਲਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੋਰ ਸੇਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੈਬਰਿਕ ਕਲਰ ਹੀ ਵਰਤਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਰ ਵਰਤੂੰਗੀ ਜਾਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਵਧੂਗੀ ਘਟੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖਾਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜ ਜੂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
एक मैनू समीरा दे नाम ते बनी हुई आई डी कोई उन्होंने मैनू उर्दू दे विच मैसेज किया। मैनू इन्ना तो महसूस होया भी जिहड़ा उर्दू च किया मैनू किया तो बहुत उन्होंने चंगा ही मैनू कुछ लिखा होगा पर मैनू उहदा ही समझ नहीं आई। पता नहीं तो वह भी चढ़ते पंजाब तो हाँ जो छपते पंजाब तो, पर मैं उन्होंने दसना चाहनी हूँ मैं चढ़ते पंजाब तो हाँ, मैनू उर्दू नहीं आता इस करके मैनू इंग्लिश दे विच कर सकते मैसेज जे नहीं उन्हें पंजाबी आती तो प्लीज़ मैनू इंग्लिश दे विच मैसेज द्वारा जरूर करो क्योंकि मैनू पता लग सके तुसीं की लिखा। पर मैनू महसूस होया अंदरों भी मैनू जो भी इन्होंने मैनू मैसेज किया बहुत वधिया लिखा हो बहुत वधिया किया होगा। मैनू खुद नूं बहुत खुशी हुंदी है जदों मैनू मैसेज करदे इस तरह वी मैं वाकई कुछ वधिया दस रही हूँ दस रही हूँ तुहानूं। जो भी मैं अपनी जिंदगी दे विच पेंटिंग दे थ्रू करूँगी जरूर तुहानूं शेयर करूँगी कदे भी मैं अपने अंदर नहीं रखूँगी इस चीज़ नूं। पता नहीं बहुत इदां दे लोग हुंदे जिन्हां दे घरे भी सोचते भी कोई बिजनेस चलाइए असी हो सकता भी मेरी एक छोटी जी कोशिश दे नाल उन्हां दा बिजनेस चले मैनू बहुत खुशी होगी। बाकी चैनल नूं वध तों वध शेयर करिया करो सबसक्राइब करो। बाकी मेरे अंदर एक खास भी है मैनू जिद्दे मेरे 5000 सबसक्राइबर हो गए उदे आपां फ्री कैंप लगावांगे कोशिश करांगे आपां बाई फेस मिलांगे आपां सारे जिहड़ियां कोई तुहाडियां कमियां होईयां जरूर दूर करांगे। बाकी जो मैं पूरा सूट करती हूँ सूट दुपट्टा करती हूँ पूरा दिखाती हूँ जो मैं दुपट्टा कल्ला करती हूँ तो दुपट्टा दिखाती हूँ। मैं काफ़ी मैसेज भी आते हैं तुसीं नाल सानू सूट नहीं दिखाया सूट दिखाओ सूट बने नहीं हुंदा सूट मैं दिखाउणा कित्थों आ तुहानूं इस करके भी कई बार कल्ला ही दुपट्टा हुंदा। एक सीगे लवेंडर शेड सूट वाले ना की सीगा प्रभ फैशन पॉइंट के नाँ ते आई डी बनी हुई उन्हां दी उन्होंने मैसेज आया सी मैडम लवेंडर कलर का साड़ा सूट है किड़ा रंग लाइए उत्ते किड़ा कलर लाइए तुसी उहदा लवेंडर शेड का लाइट डार्क का कॉम्बीनेशन भी कर सकते हो उत्ते पीला कलर भी कर सकते हैं बेबी कलर भी कर सकते हैं बेबी पिंक कलर काफ़ी कलर है जिहड़े तुसी। बाकी मैं तुहानूं बहुत कुछ दस दिंदी साइड पर जरूर ला के देख लिया करो साइड पर पता लग जाता भी किहड़ा कलर इहदे नाल आपां कर सकते हैं। लाइट डार्क का कॉम्बीनेशन भी बहुत सोहना आता बाकी पेमेंट की गल कर रहे थे एक कहते भी पेमेंट कितने पाइए से अमर अवार्ड वाले आ पेमेंट तुम मैं गूगल पे कर सकते हैं मेरा नंबर वीडियो दे विच हैगा नंबर ते मैं फोन करके पूछ सकते भी किहड़े नंबर ते गूगल पे करनी है मैं तुम दस दूंगी। बाकी जो तुम कोई भी मैनू ऑर्डर देने मान लो 5000 का ऑर्डर है तो तुम मैनू कह रहे हैं भी मैं 200 रुपया पहला पा दा जां 100 रुपया पहला दा ये बहुत गलत गल्लां। जो भी तुम ऑर्डर करना मैनू जे तुहाडा 5000 का ऑर्डर है तो तुम मैनू उहदी अद्धी पेमेंट जरूर पे करोगे फिर उस तो बाद तुहाडा कोई ऑर्डर अगे चलूगा ये चीज़ा ना तुसी करया करो प्लीज़ प्लीज़ ठीक है जी। इस तरह अपना फ्लावर बन गया
हूँ आप पत्तियां बनावांगे। ठीक है जी, बाकी जड़ियां दी कलियां कलियां भी इस तरह ही होनी है। जरूरत अनुसार तुसी ब्रश में पानी लगा सकते। ठीक है, इस तरह बननी कलियां दी। हुण आपां इहदियां पत्तियां बनावांगे। हाँ जी, हुण आपां पत्तियां तैयार करांगे। पत्तियां दा भी सेम प्रोसैस उही है। वाइट कलर दे विच मैं बाइंडर पाया होया, वाइट कलर पतला करके लिया, उसे तरह ही पहला मैंने जिवें फ्लावर बनाए सीगे उस सेम उही प्रोसैस है। ये न्यून ग्रीन लिया मैं नाल, जो पत्ते वाइट के नाल लिया। सिल्क पेंट तो ये इन्ना फर्क आ भी जो आप सिल्क पेंट कर लगते हैं, आप जो आप आउटलाइन किया जो कलर आप सिल्क वाला कलर छड़ते हैं वह आप आउटलाइन तो साइड से करके छड़ते हैं, क्योंकि हौली हौली फैल के नाल लग जाता। ये आप नाल तो भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी मेरी वीडियो नू शुरू तो लैके एंड तक जरूर देखा करो। बहुत कमेंट जोड़े यह जी मैं किए हुए आ भी मैं बहुत बारी दस चुकी हूँ, वह चीज़ वीडियो नू वारी वारी देखा करो। जे थोड़ा नहीं समझ लगती फिर तुम मैं मैसेज करो, फोन करो। बाकी जोड़ा भी डिजाइन तुम बना मैं दोबारा फिर दस दी, मैं वट्सअप कर दिया करो भी ये वाला डिजाइन सू बना के दिखाओ, क्योंकि मैं तो कोई ना कोई डिजाइन बनाना ही होंगे भी थोड़ी डिमांड डिमांड के उपर ही सूट दुपट्टा बन जूगा। इस तरह हौली हौली। ठीक है, बाकी बेस बारे मैं पूछ रहे थे। बेस है जो जिन्नी बारी भी बेस तुम उपर करना, बेस में सुका के अगला स्टेप तुम फिर चुकना। जिस तरह से ब्लैक दे सूट दे ला लो, ब्लैक दे ब्लैक सूट है जो उत्ते बहुत ज़्यादा जड़ियाँ होंदियाँ बेस दियाँ तह काफ़ी होंदियाँ, घट तो घट 5-6 दे इर्द गिर्द होंदियाँ। पहली बार जो बेस करना वह तुम चेक करके करना भी थोड़ा बेस है जो कि पतला वो कपड़े पर फैलता तो नहीं। जो तुम अगला बेस करोगे, अगली बेस की कोट करोगे वो तो फैलूगा नहीं, वो तुम उस तो भी पतला करके कर सकते हैं। जोड़ा तुम पहला पतला किया ना वो नालों भी ज़्यादा पतला तुम करके कर सकते हैं। फिर हौली हौली, क्योंकि पतले तो पतला बेस करोगे तो फिर ब्लैक सूट का थोड़ा वधिया बनना, क्योंकि वो ब्लैक सूट जो वारी वारी आप ज़्यादा वारी बेस करते हैं उपर वो फिर आकड़ जाता कपड़ा, ज़्यादा हार्ड हो जाता। पेंटिंग है जी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती थोड़ी, पहला तो चेक करके करना फिर अगला जो बेस देंगे वो तुम उस तो भी पतला कर सकते। बाकी मेरे चैनल के नाल जुड़े रहो, हर वेरी कोई ना कोई नवी तकनीक लैके थोड़े मूहरे वीडियो पेश करूँगी। बाकी जो मैं सूट बनाऊंगी मैं तुम्हें सूट भी नाल दिखाउनी हां, क्योंकि कई बार मैं कई बार की काफ़ी बारी मैंने मैसेज किया कहिंदे ना सूट दिखाओ, जे सूट कला हुंदा तां कहिंदे दुपट्टा दिखाओ। जिहड़ी चीज़ हुंदी मैं उही दिखाउनी हुंदी हां, क्योंकि हुण मैं तुहानूं पहलां भी दस चुकी हां मेरे कोल दुपट्टे काफ़ी आए पए है बाहर जाने इस दुपट्टे। बाकी ये वाला दुपट्टा तो मेरा फॉर सेल ही है, मैं तुहानूं पहलां भी दस चुकी हां वीडियो दे विच, जे किसी ने लैणा होवे तां मैनूं कॉल करके पुछ सकदे आ रेट। इस तरह करना। बाकी जिवें ये वाले फ्लावर के उपर मैं सिप्पियां रखी हुई है, सतारी कह लो जां सिप्पियां कुछ भी, इस तरह भी तुसीं ला के इहनूं डेकोरेट कर सकते हैं।
ठीक है।